डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की ओर से आयोजित इस आभासी व्याख्यानमाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमए अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए हम आज एमएचडी 16 भारतीय उपन्यास, ये इस प्रश्न पत्र का पहला खंड जिसमें कि मलयालम उपन्यास चेम्मीन के विषय में हम पढ़ेंगे, वह लेकर के आए हैं। इस पहले खंड की पहली इकाई है तकशी शिवशंकर पिल्लई, जो इस उपन्यास के लेखक हैं, मलयालम साहित्य के ख्यातिलब्ध लेखक, उनके विषय में हम जानेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नज़र दौड़ाएंगे। इस इकाई का लक्ष्य मुख्य रूप से मलयालम कथा साहित्य और कथा साहित्यकार तकशी शिवशंकर पिल्लई के विषय में जानना है। विशेष रूप से हम तकशी शिवशंकर पिल्लई के विषय में जानेंगे। एक व्यक्ति के रूप में तकशी शिवशंकर पिल्लई का परिचय प्राप्त करेंगे और एक रचनाकार के रूप में किन चीज़ों से वो एक महान साहित्यकार बने, कैसे उनका साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, ये हम जानेंगे और उनकी प्रमुख कृतियों के विषय में जानेंगे। तकशी शिवशंकर पिल्लई, ये उनका चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम उनका मुख्य रूप से उनका नाम इत्यादि हम जान लें, जीवन परिचय जान लें। उनका वास्तविक नाम के शिवशंकर पिल्लई था, लेकिन उन्होंने साहित्य जब लिखना आरंभ किया तब आरंभ में की कुछ कहानियों में उन्होंने अपना यही नाम रखा के शिवशंकर पिल्लई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना नाम बदल दिया और तकशी शिवशंकर पिल्लई इस नाम से लिखने लगे। तकशी उनके गांव का नाम था और बाद में वो तकशी के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके साथी और उनको प्यार करने वाले सभी लोग, उनके पाठक भी उनको तकशी के नाम से ही ज़्यादा बुलाते और जानते हैं। उनका जन्म 17 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 10 अप्रैल 1999। काफ़ी लंबा जीवन उन्होंने पाया, 87 वर्ष की अवस्था थी जब उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म और मृत्यु दोनों, माने वो अपने पूरे जीवन काल में अपने घर, अपने मूल स्थान से जुड़े रहे। यद्यपि उन्होंने यात्राएं बहुत की, अलग अलग स्थानों पर जाकर के पढ़ाई करी, काम भी किया, लेकिन अंततोगत्वा वो अपने मूल स्थान से हमेशा जुड़े रहे और उन्होंने जहाँ उनकी का जन्म हुआ था उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी उसी स्थान पर ली। और वो स्थान है तकशी ग्राम, ग्राम का नाम है, गांव का नाम है तकशी। अम्पलपुषा तालुका है, अलपुषा जिला है, जो कि मध्य केरल में है। अगर हम केरल को देखें और उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम से हम आकलन करना चाहें तो तिरुवनंतपुरम से उत्तर की ओर 150 किलोमीटर की लगभग दूरी है जहां पर ये आलप्पुषा जिला है जिसमें कि तकशी नामक ग्राम है, वहां पर उनका जन्म और मृत्यु हुई थी। उनका एक पारिवारिक परिचय हम प्राप्त करें तो माता का नाम पार्वती अम्मा था, पिता का नाम पोरपल्ली कलत्तिल शंकर कुरू, ये उनके पिता का नाम था। उनका पारिवारिक व्यवसाय कृषि था और वो उन्होंने तकशी शिवशंकर पिल्लई जी ने भी कई तरह के काम किए, लेकिन फिर वो खेती से भी हमेशा जुड़े रहे। जो उनका पारिवारिक व्यवसाय था कृषि, वो हमेशा वो उससे जुड़े रहे। उन 23 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था चंपकशेरी चिरवकल कमलाक्षी अम्मा, तो कमलाक्षी अम्मा के नाम से ज़्यादा उनको जाना जाता है और स्वयं तकशी उनको कात्ता नाम से बुलाते थे। तो एक छोटे से नाम से कात्ता नाम से उनको बुलाते थे। शिवशंकर पिल्लई और कमलाक्षी अम्मा की 4 पुत्रियाँ और 1 पुत्र हैं।
उनकी शिक्षा दीक्षा तकशी की शिक्षा आरंभ गांव से होता है, गांव के स्कूल में शुरुआत की उन्होंने। फिर माध्यमिक शिक्षा गांव से 12 किलोमीटर दूर अम्पलपुषा स्कूल में हुई। हाई स्कूल के लिए वो वैक्कम और करुवाट्टा के स्कूलों में गए। वैक्कम में पढ़ते हुए वो काफ़ी घूमने फिरने की उनको आदत लगी और साहित्यिक गोष्ठियों इत्यादि में भाग लेने लगे। तरह तरह बने उनको घूमना और निरीक्षण करना बहुत भाता था, तो इसके कारण वो नवी कक्षा में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद फिर वो करुवाट्टा के स्कूल में गए, वहीं से फिर उन्होंने हाई स्कूल अपना पास किया। उसके बाद फिर वो कानून की शिक्षा के लिए तिरुवनंतपुरम में भी रहे, वहीं पर उनका ज़्यादा साहित्यिक संस्कार हुआ और मुख्य रूप से उन्होंने लिखना शुरू किया। फिर कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1939 में वो तकशी म्यूनिसिपल कोर्ट के वकील भी रहे और फिर बाकी जीवन उन्होंने लगभग पूरा जीवन उन्होंने तकशी अपने गांव के में ही बिताया। यात्राएं काफ़ी करते रहे, काम के सिलसिले में आते जाते रहे, देश विदेश की भी यात्राएं की, लेकिन मुख्य रूप से वो बने रहे तकशी में। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ ये हमको अवश्य देखना चाहिए। वस्तुतः हम जब लेखक के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या है जो एक लेखक को लेखक बनाता है। तो हम तकशी के अगर साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण के संबंध में देखें तो उन्हें आरंभ से ही परिवार में ये संस्कार मिला। परिवार का जो वातावरण था वो सांस्कृतिक वातावरण था। उनके पिता स्वयं कथकली और थुल्लल कलाओं के जानकार थे। यहाँ पर आप कथकली का एक चित्र देख सकते हैं। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप संभवतः परिचित होंगे, और उसमें रामायण और महाभारत की कथाएं खेली जाती हैं। तो ये नृत्य भी है, नाट्य की ओर ज़्यादा है। संस्कृत नाट्य की जो की परंपरा है वो भी केरल में पाई जाती है। उसी परंपरा में, यद्यपि इसको शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया है कथकली को, जो संस्कृत पारंपरिक संस्कृत नाट्य केरल में खेले जाते हैं उनका उनको दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन ये कथकली जो है इसमें भी रामायण और महाभारत की कथाएं होती हैं। पूरा नाट्य स्वरूप ही इनका होता है नृत्य के रूप में। ये इससे संभवतः आप परिचित होंगे। वो तकशी के पिता उस कथकली के भागीदार थे, उसमें पात्र बनते थे। इसी तरह से थुल्लल भी नाट्य परंपरा है, जिसमें कि एक ही कलाकार संपूर्ण नाटक सभी पात्रों का अभिनय करते हुए और वो प्रस्तुत करता है किसी कथा को। तो इन दोनों ही कलाओं में वो पारंगत थे तकशी के पिता। तो इस तरह का समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण उनके घर पे उपलब्ध था। घर में अक्सर पौराणिक कथाओं का वाचन होता था, घर के बड़े बूढ़े करते थे या आयोजन करके होता था। तो इस तरह से बचपन से ही, मतलब बहुत छुटपन से ही, जब से संभवतः तकशी ने आंखें खोली तब से वो अपने घर में इन कलाओं का अभ्यास और पुराणों की कथाएं सुन रहे थे, जिन्होंने उनके मन में ये लेखकीय बीजारोपण एक तरह से किया, कथाओं के प्रति उनकी रुचि, उनकी उनके लगाव को का बीजारोपण यहाँ पर शायद हुआ होगा। फिर जहाँ पर वो रहते थे, जिस गांव में, जहाँ पे वहाँ के जो उनके परिवार था सारा, और जो समुदाय के लोग थे उनमें सब बड़े बूढ़े बैठ करके कथाएं सुनाते थे, तो उसमें आपसी संबंधों के विषय में, कुटुंब के माने पूरे विशाल परिवार के, समुदाय के जो आचार व्यवहार हैं, त्यौहार हैं, आपदाओं का कैसे लोग सामना कर रहे थे, करते चले आ रहे थे पुराने समय से, इतिहास उसका पूरा, वो सारी बातें वहाँ पे होती थी। उनको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को अपने बचपन में अपने परिवार के और अपने समाज के बड़े बूढ़ों से मिली, जिसको काफ़ी अच्छी तरह से सुनते रहे होंगे जरूर तकशी, क्योंकि उनकी बाद की साहित्यिक कृतियों में उसी सब का प्रस्फुटन दिखाई पड़ता है, उसी सब का ये दिखाया प्रतिबिंबन दिखाई पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें जो बचपन से उनको कथाओं के रूप में सुनाई जाती थी अपने अपने समाज के विषय में, जहाँ पर स्वयं तकश ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो वो अधिक अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझ भी पाते थे और उनको अच्छी तरह से उन्होंने आत्मसात किया पूरी तरह से, व्यवहार के रूप में भी और कथाओं के रूप में भी। फिर अम्पल पुरुषा और वैक्कम में जब वो पढ़ रहे थे तो उनका जहाँ पर स्कूल था वहीं पास में अरय समुदाय के लोग रहते थे। अरय समुदाय के लोग मछुआरे थे जो कि जिनकी जीविका पूरी तरह से सागर पर निर्भर होती थी। समुद्र से मछली पकड़ करके वो बेचने के व्यवसाय करते थे और अधिकतर ये होता था कि वो मेहनत का काम करते थे, सागर में जाते थे, अपने जीवन को खतरों में डालते थे और मछली पकड़ करके लाते थे और उनको फिर कोई व्यापारी खरीद लेता था और जाकर ऊँचे दामों में नगरों इत्यादि में बेचता था। और उनका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण बना रहता था, मतलब वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे, कि सारी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी वो केवल और केवल मेहनत करते रह जाते थे। कारण इसका था कि वो अवर्ण थे, माने ये आगे हम जानेंगे कि कैसा समय था वो और कैसा केरल में परिस्थितियां सामाजिक थी, तो उसमें काफ़ी छुआछूत था थी केरल में उस समय, और सवर्णों और अवर्णों में मुख्य रूप से बटा हुआ था समाज। फिर ये शोषण इनका बहुत ज़्यादा होता था, एक तो इनकी जाति के कारण और दूसरा जो है वही बने मेहनत, एक जो मेहनत करने वाला है तो और जो व्यापारी वर्ग है वो मेहनत करने वालों का हमेशा शोषण करता है, तो वो इस तरह से वो आर्थिक स्थिति से भी और सामाजिक स्थिति से भी वो हम शोषित रहे हमेशा ये अरय समुदाय। और इसको बहुत अच्छी तरह से वो देखा तकशी ने, जब वो पढ़ रहे थे बच्चे थे तो उस समय उस आपकी पुस्तक में भी ये घटना दी हुई है कि जब वो स्कूल जाते थे तो टिफ़िन के रूप में केले के पत्तों में लपेट करके चावल नाश्ते के लिए ले जाते थे, स्कूल में खाने के लिए ले जाते थे सभी बच्चे। तो और क्या होता था कि उसमें चींटियां अक्सर लग जाती थी, तो जो चींटियों वाला हिस्सा होता था जहाँ चींटियां ज़्यादा लगी होती थी उसको उतना पत्ता फाड़ करके चावल समेत उसको फेंक दिया जाता था, और जहाँ पर चींटियां नहीं लगी हुई हैं जो सुरक्षित है अंश उसको बच्चे खाते थे। तो जो ये फेंका जाता था अरय समुदाय के बच्चे उसके लिए खड़े होते थे और ये चींटियों वाला जो हिस्सा होता था फेंका गया वो उठा उठा करके खाते थे। तो इतनी ज़्यादा गरीबी थी, खाने की इतनी कमी थी कि वो चींटियों वाला हिस्सा खा लेने लगते थे और चींटियां भी साथ में खा लेते थे, इतना ज़्यादा माने गरीबी और इस तरह का था, उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो इस ऐसे समुदाय को बहुत नज़दीक से तकशी ने अपने बचपन में देखा। फिर पढ़ते हुए भी उनके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो स्वयं मलयालम के एक सुपर प्रसिद्ध नाटककार थे, कने वकरा कुमार पिल्लई, और वो जब भी कोई ये होता था ये जब भी कोई पीरियड खाली होता था, टीचर नहीं आते थे, तो प्रधानाचार्य स्वयं वहाँ पहुँच जाते थे और वो कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को। ऐसे ही एक कक्षा में तकशी ने काबुली वाला कहानी उनके मुँह से सुनी थी और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बाद में जब लिखने लगे, बहुत बचपन बहुत कम उम्र से ही लिखने लगे थे तकशी, और उन्होंने एकदम शुरुआती दौर में जो कहानियाँ लिखी थी उस पर बंगला साहित्य का प्रभाव होने का कारण यही काबुली वाला कहानी का इतना असर होना था। तो वो काबुली वाला कहानी जब उन्होंने कुमार पिल्लई जी से सुनी तो उसका उसको बहुत माने गहरे उनके कहीं उतर गई और उसने बुनना शुरू किया उनके लेखन को, उनके मन की कल्पनाओं को उसने बुनना शुरू किया जो कि कहानी के रूप में बाहर आए। और जो पहली कहानी कहते हैं इन्होंने लिखी थी विवाह का के दिन,
तो ये इस पर काफ़ी असर बंगला साहित्य का दिखाई पड़ता है, और वो कहीं केरल उसका जो बैकग्राउंड सेटअप है, जो कहानी में परिवेश है, वो केरल का नहीं है अपितु उत्तर के किसी गंगा किनारे के गांव का या कस्बे का वो उसमें परिवेश दिखाया गया है। तो साफ पता चलता है कि किस तरह से वो प्रभावित थे बंगला साहित्य से, और उसका उसकी नींव जो पड़ी वो यही काबुलीवाला से पड़ी। फिर जब तिरुवनंतपुरम वो गए थे पढ़ने के लिए, तो उसी समय उन्होंने पत्रकारिता भी शुरू की थी, और केसरी पत्र एक निकलता था समाचार पत्र, उसके संपादक ए बालकृष्ण पिल्लई के वो संपर्क में आए थे। ए बालकृष्ण पिल्लई वो व्यक्ति थे जिन्होंने केरल के साहित्यकारों को पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी विचारधारा से परिचित कराया था, साहित्यिक सिद्धांतों से परिचित कराया था, और उनके मार्गदर्शन में तकशी शिवशंकर पिल्लई ने भी तमाम जो पश्चिमी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, इप्सन और शॉ और बहुत सारे दूसरे दोस्तोयेवस्की, तमाम तरह तमाम जो विदेशी पश्चिमी साहित्यकार थे उनके साहित्य से उनका परिचय हुआ, और उनकी विचारधाराओं से परिचय हुआ, साहित्यिक सिद्धांतों से परिचय हुआ, दार्शनिक विचारधाराओं से परिचित हुआ, वैज्ञानिक विचारधाराओं से परिचय हुआ। तो ये सब कुछ तकशी ने आत्मसात किया, समझा, और फिर जब उनका लेखन शुरू हुआ, अपने लेखन में इन सब सारी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वहीं पर रहते हुए उन्होंने प्रगतिशील साहित्य, मार्क्सवाद, फ्रायड, डार्विन, इन लोगों का भी अध्ययन किया, जिससे कि उनके लेखन में एक संपूर्णता आई और एक अच्छी सोच उनकी विकसित हुई, प्रगतिशील सोच एक विकसित हुई, जिसके तहत उन्होंने अपने साहित्य की सर्जना की, जो कि जिसने मलयालम साहित्य को विश्व साहित्य की श्रेणी में ले जाकर के खड़ा किया। तकशी में अपने आसपास के परिवेश और लोगों का तीक्ष्ण परीक्षण करने की बहुत बड़ी ताकत थी, एक बहुत बड़ी क्षमता थी, और वो अनुभूतियों को बड़े शिद्दत से, बड़ी तीव्रता से ग्रहण करते थे। तो ये दो क्षमताएं जो उनमें थी, इसने ही तकशी को इतना ज़्यादा अपने चारों ओर को समझने, उसका विश्लेषण करने और फिर उसे साहित्य के रूप में अभिव्यक्त करने में सहायता दी, और तकशी अपने साहित्य में विशाल साहित्य उन्होंने मलयालम को दिया, और उसमें और मलयालम साहित्य को एकदम से विश्व साहित्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया। तो उसके पीछे उनका जो मूल था वो यही कि वो अपने आसपास को खूब अच्छी तरह से समझते थे, उसका निरीक्षण करते थे, विश्लेषण कर पाते थे उसका, और फिर उसको अपने तरीके से अपने साहित्य में एक समग्र परिवेश देकर के एक पूरा एक जिसको कहना चाहिए कि वैश्विक एक मानवतावादी दृष्टिकोण दे करके वो अभिव्यक्त कर पाते थे। उन्होंने बहुत लिखा है, लगभग 48 उपन्यास हैं उनके, 500 से भी ज़्यादा कहानियां हैं, और दो आत्मकथात्मक रचनाएं हैं उनकी, एक यात्रा वृत्तांत है और एक नाटक है। ये सब कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा, करीब 60 वर्षों तक वो लिखते रहे लगातार, और ये सारी चीज़ें, ये सब उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा, प्रस्तुत किया। उनका प्रथम उपन्यास 1934 में छपा था, प्रतिफलम। फिर उसके बाद हर वर्ष लगभग उनके उपन्यास आते रहे, लेकिन जो यहाँ पर प्रमुख कृतियों की हम चर्चा करेंगे, प्रतिफलम ने ही जब प्रकाशित हुआ, यह प्रतिफलम, तो बहुत इसकी चर्चा हुई, काफ़ी हंगामा करना चाहिए साहित्यिक जगत में मचा, क्योंकि इसका जो विषय था, इस पर इसमें जिस तरह की बात की गई थी वो उसके पहले साहित्य में लगभग निषिद्ध समझी जाती थी। इसमें जो है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे एक महिला की कहानी थी कि जो
जिसको कि देह व्यापार करना पड़ता है अपने परिवार का, अपने भाई का के पढ़ने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसको देह व्यापार करना पड़ता है। तो ऐसे जो है ऐसी रचना, ऐसे विषय को लेकर के रचना करने के लिए जो है वो काफ़ी आलोचना भी उनकी हुई, लेकिन मैंने इसकी तुरंत नोटिस ली गई, क्योंकि एक ऐसे विषय पर वो लिख रहे थे जो आमतौर पर लोग जिस पर बात नहीं करना पसंद करते थे। तो प्रतिफलम से ही उनकी साहित्यिक खूबियाँ, उनकी सोच सभी जाहिर होने लगी थी। फिर जो एक उनका खास उपन्यास आया तोटी उडे मकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास उनका रहा, जिसने उनको एकदम पहली पांत में बिठा दिया साहित्यकारों की, और न केवल मलयालम बल्कि भारतीय साहित्य और बल्कि कहना चाहिए विश्व साहित्य में भी उनकी नोटिस हुई। ये भंगी का बेटा, इसमें भंगियों जिनको जो कि मैला ढोने का काम करते हैं और इस तरह का, और उनके जीवन पर ये है कितना ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है, किस तरह के अमानवीय परिस्थितियों में वो रहते हैं, ये सारी वर्णना इस उपन्यास में है, दिखाई देती है। इसमें जो इसका नायक है वो अपने माने इतनी हद तक गुजरता है कि वो अपने पिता की लाश को कुत्तों द्वारा खाया हुआ उसको देखना पड़ता है, खाया जाता हुआ देखना पड़ता है, इतनी बुरी हालत होती है। फिर और वो फिर समझता है कि नहीं, इससे निकलना होगा, वो आंदोलन चलाता है और प्रयत्न करता है, वो अपने बेटे को भंगी नहीं बनने देना चाहता है, उसको स्कूल में पढ़ाने का प्रयत्न करता है, उसमें सफल भी थोड़ा सा होता है, आंदोलन काफ़ी चलता है, लेकिन जैसे ही सफलता प्राप्त करने लगता है आंदोलन, तो अपने माने स्वार्थ हित जो लोग चला रहे हैं आंदोलन को, उनके ही स्वार्थ हित के कारण वो आंदोलन अंततः ढह जाता है और परिस्थितियां फिर वैसे की वैसी हो जाती हैं, भंगी के बेटे को भंगी ही बनना पड़ता है। तो इतने मार्मिक विषय को लेकर के उन्होंने लिखा, और इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में उनका माना जाता है। फिर रंटट इंडशी, ये दो सिर धान, ये उनका उपन्यास 1948 में आया, ये इसको भी बहुत ख्याति मिली और प्रशंसा मिली, माना गया कि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें पूरी परिस्थितियों का वर्णन मिला, वास्तविक तथ्यात्मक चीज़ें उसमें आईं और लोग सोचने के लिए विवश हुए कि क्या कहाँ जा रहा है समाज और किस तरह की बुराइयाँ समाज में व्याप्त हैं, इस पर काफ़ी चर्चा इसकी रही। फिर उनका कालजयी उपन्यास आया चेम्मीन। चेम्मीन का अर्थ होता है झींगा, झींगा मछली एक होती है, प्रॉन, जिसके व्यापार का इसमें वर्णन है, जो ये पूरे के पूरे तरह से अरय समुदाय पर आधारित है और वो झींगा ही उस क्षेत्र में मिलती है ज़्यादा, तो उसको पकड़ने का वो व्यापार करते हैं, पकड़ करके और बेचने का व्यापार करते हैं, उस पर ये है। इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, बहुत ही उच्च कोटि का उपन्यास है ये, विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों की जब बात आएगी तो निश्चित रूप से उसमें एक चेम्मीन भी होगी। 1955 में इसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद फिर इस पर मलयालम में फिल्म भी बनी और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, इसके पुरस्कार भी मिले और लगभग दुनिया की सब भाषाओं में चेम्मीन का, सभी प्रमुख भाषाओं में चेम्मीन का अनुवाद भी हुआ। उसके बाद जो उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आता है कयर, 1978 में प्रकाशित हुआ, ये लगभग 200 वर्षों की कहानी केरल की कहता है, एक खास समुदाय की, खास जगह की, और चार पीढ़ियों की उसमें कथा संवलित है, पूरे 200 वर्षों के कालावधि की, और इसमें काफ़ी कुछ बदलते हुए केरल और केरल की पुरानी परंपराएं, मान्यताएं,
और मातृसत्तात्मक व्यवस्था से लेकर के और फिर वर्तमान केरल बने, वर्तमान तो नहीं उनके समय तक के जो केरल का था वर्णन इसमें मिलता है। ये करीब 1000 पृष्ठों का काफ़ी लंबा चौड़ा उपन्यास, सबसे बड़ा उपन्यास है इनका, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त इसने की। इस पर भी टीवी सीरियल भी बना, हिंदी में भी बना, और बहुत ही इसको ये क्रिटिकली बहुत इसके मान्यता है, इसके बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से इसको श्रेष्ठ उपन्यास का दर्जा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ लिखा जिस पर सभी पर बात होनी चाहिए, और आपको एक बार इनके संपूर्ण कृतित्व पर एक नज़र डालनी चाहिए और देखना चाहिए, जिसको आप ढूंढ सकते हैं इसे इंटरनेट पर, और आपकी पुस्तक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ये है तकशी शिवशंकर पिल्लई के रचना संसार, जिसमें उन्होंने बहुत तरह का हर समाज के हर पहलू को छूते हुए लिखा। हालांकि उनका जो मुख्य उनका लेखन मुख्य रूप से जो केंद्रित रहा, वो एक तरह से कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तक ज़्यादा रहा। उन्होंने महलों और श्रेष्ठियों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, ऊंचे ऊंचे घरों में रहने वाले लोगों के विषय में नहीं लिखा। हालांकि वो कहते हैं कि वो भी मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी आकांक्षाएं और अपने चिंताएं हैं, और जिससे उनको पार पाना होता है, और उन्होंने कभी उनको ऐसा नहीं है कि उनको कोई दुश्मन की तरह समझा या उनको अलगाया, लेकिन उन्होंने उनके अपने लेखन का केंद्र वंचितों का ही रहा, वंचित ही उनके लेखन के केंद्र में अधिक रहे। शायद इसलिए कि ज़्यादा समय उन्होंने ऐसे लोगों के साथ बिताया, और दूसरा है कि जो उन्होंने प्रगतिशील साहित्य पढ़ा या प्रगतिशील साहित्य का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, मार्क्सवाद का जो प्रभाव पड़ा, उसमें वो जो शोषित वर्ग है उसके साथ उनको रहना ज़्यादा पसंद आया। तो ये इस तरह से उन्होंने ये अपने लेखन के केंद्र में उनको रखा, और विपुल रचनाएं की, हर पहलू को छूते हुए उन्होंने रचनाएं की। बहुत सारे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए, जिसमें जो प्रमुख पुरस्कार हैं वहाँ वो हम उस पर हम एक नज़र डाल दें। 1957 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चेमीन के लिए, 1965 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला एणिपद्दिकल के लिए, फिर 1974 में उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया, 1984 में कयर के लिए वेलार पुरस्कार मिला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है केरल में, 1984 को साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में वो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ, और 1985 में पद्म भूषण दे करके राष्ट्र ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। इसके अलावा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि, डीलिट की उपाधि दी, और केरल सरकार के भी अनेक पुरस्कार उनको अलग से और भी प्राप्त हुए। वो साहित्य केरल साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी दोनों के वरिष्ठ फैलो रहे, और एक अच्छा खासा लंबा जीवन जी करके उन्होंने विदा ली। और लेकिन उनका भले ही उनका भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनका यशः शरीर निश्चित रूप से उन कृतियों के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। तो मित्रों, आज हमने तकशी शिवशंकर पिल्लई के संबंध में मलयालम साहित्यकार चेमीन, जो हमारी पाठ्यक्रम में है, उस उपन्यास के लेखक तकशी शिवशंकर पिल्लई के विषय में जाना। आप इसके विषय में और भी थोड़ा सा जानने का प्रयत्न कीजिए, अपनी पुस्तक से, इंटरनेट से, या इनके विषय में जो भी निकलता है, इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, संभवतः इंग्लिश में बनी है, वो भी आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और साहित्य अकादमी से इनके विषय में एक पुस्तिका भी प्रकाशित हुई है, वो भी अगर आपको उपलब्ध होती है तो
तो आप देख पढ़ सकते हैं, तो उनको जानिए, देखिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए या किसी भी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सभी तरह के साहित्य को जानना महत्वपूर्ण है। उस क्रम में ही आपके पाठ्यक्रम में भारतीय उपन्यास इस प्रश्न पत्र में, इस पाठ्यक्रम में कई अलग अलग भाषाओं के उपन्यासों को रखा गया है, तो इसको पढ़ना निश्चित रूप से आपके साहित्यिक समझ और अभिरुचि को उन्नत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो पढ़िए, फिर आगे हम मिलेंगे, जमीन पर थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार।